वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 के लिए लाल साड़ी पहनी। काले बॉर्डर वाली ये साड़ी उनके पुराने लुक से मेल खाती है। सीतारमण के हाथ में दिखा बजट बैग, या यूं कह ले कि ये है डिजिटल बही खाता। सीतारमण ने टैबलेट के जरिए बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट पेश करते हुए गहरे भूरे रंग की साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो कोविड का दौर था तो सभी मास्क लगाए हुए नजर आए थे। ये लगातार तीसरा साल है जब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट पेश कर रही हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपना पद भार संभाला था। इस बार निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस की परंपरा को तोड़ा, लाल कपड़े में बही खाता बजट के साथ नजर आई। ये नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। मंदी और महंगाई के माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। बजट से पहले निर्मला सीतारमण मीडिया से मिली। निर्मला सीतारमण ने ब्राइट रेड साड़ी पहनी हुई थी। इसके साथ ही साड़ी में गोल्ड कलर का बॉर्डर भी है, और इनकी इसी साड़ी से मेल खा रहा है इनका डिजिटल बही खाते का कवर। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हर बजट में निर्मला सीतारमण का अलग अंदाज देखने को मिलता है। सीतारमण ने ही टैबलेट के जरिए बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत की है। कोरोना महामारी को देखते हुए 2021 में पहली बार संसद में पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। बजट के कॉपी को छापने की परंपरा बंद हो गई। 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली बार देश का बजट पेश करके इतिहास बनाया था, और 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया। भारत का आम बजट अब तक सिर्फ दो महिलाओं ने ही पेश किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।